कहाँ है कहाँ है कहाँ है डिक्की, कहाँ से खुलेगी समझ नहीं आता। लेकिन अक्सर हिडन चीज़ें होती हैं इन गाड़ियों में। ये देखिए, हर चीज़ की कंडीशन मेंटेन रखनी होती है, इवन कीज़ की भी कंडीशन होती है। कीज़ ज़्यादातर गाड़ियों की सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे कि आपको पता है, कीज़ मेन जो पार्ट होता है यूज़ होने का वही होता है। अगर इसको आप एज अ स्पोर्टी कार काउंट करेंगे तो हाइट नीचे होती है, स्पोर्ट कार तभी मानी जाती है। स्क्रैच तो दूर की बात, इवन आपको स्वर्ल मार्क तक नहीं मिलेंगे गाड़ी में। पॉकेट साइज है अपना अभी कितना चल रहा है, 20 लाख के अंडर है, कह सकते हैं कि 2025 से हमारा स्टार्ट हो रहा है। और जा तो फिर पता नहीं कहाँ तक रहा है। यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और इंटरेस्टिंग लग्जरी एपिसोड में। आज का जो एपिसोड है ये डेडिकेटेड है BMW M Sport सीरीज़ को, क्योंकि आज हम आए हुए हैं ऑटो बेस्ट इम्पीरियो और इनके स्टॉक में हमेशा की तरह अच्छी से अच्छी, ऊँचे से ऊँचे और कम चली हुई गाड़ियाँ आती रहती हैं। तो उसी कड़ी में आज हमारे पास हैं आपको दिखाने के लिए BMW X4, जो कि बिल्कुल ही ब्रांड न्यू कंडीशन में है और गाड़ी उस कलर में है जो BMW का सबसे चहिता कलर माना जाता है। और इस गाड़ी की पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ होंगे नमन फ्रॉम ऑटो बेस्ट। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया। समर वेकेशन मुबारक हो, जल्दी आने वाले हैं। बात करते हैं इस गाड़ी की। नमन, ये गाड़ी क्या हम किसी गाड़ी से कंपेयर कर सकते हैं इसे या नहीं? ये गाड़ी हम किसी से कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि गाड़ी जो है अपने में एक अलग चीज़ है, बहुत ज़्यादा यूनिक है। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट कार होती है ये। अगर आप इसको ध्यान से देखो, एक स्पोर्टी लुक दे रही है, एक फैमिली कार है एंड एक कूपे शेप है। मतलब ऑल इन ऑल आपको एक ही गाड़ी में सारी चीज़ें मिल रही हैं, मतलब एक गाड़ी आपकी सारी चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है। कितने लीटर इंजन है इसमें? ये हमारा 2 लीटर इंजन है, क्योंकि है X4 X-Drive 20D। अब अगर बात करें इस गाड़ी की, तो ये डीजल में है पेट्रोल में? ये गाड़ी जो है डीजल वेरिएंट में, एम स्पोर्ट। अब ये एम स्पोर्ट है तो माइलेज पे कितना फर्क पड़ सकता है, मतलब नॉर्मली X4 से? यूजुअली अगर आप देखो तो 3 लीटर से इसमें डिफरेंस होगा। मतलब अगर आप एम स्पोर्ट भी करो, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। अप्रॉक्सीमेटली जो इसकी एवरेज मिलेगी हमें 10-11 या 12 तक आप मैक्सिमम कह सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे से और देखते हैं कि गाड़ी की क्या क्वालिटी है। अब आगे से जो इसके हेडलैम्प्स है वो देखेंगे और आपको चाबी दिखाता हूँ मैं इस गाड़ी की। एक आपको इसकी ये चीज़ भी फोकस कराना चाहूँगा, आप यूज कार्स में देखोगे जैसे कि गाड़ियाँ जैसे कंडीशन होती है, हर चीज़ की कंडीशन मेंटेन रखनी होती है, इवन कीज़ की भी कंडीशन होती है। कीज़ ज़्यादातर गाड़ियों की सबसे ज़्यादा, मतलब जैसे कि आपको पता है, कीज़ मेन जो पार्ट होता है यूज़ होने का वही होता है। स्क्रैचेस होते हैं, कुछ होता है, बट हमारी गाड़ी आपको पता है कैसी होती है, बिल्कुल क्वालिटी किसी चीज़ में कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। कौन से साल की है ये जो गाड़ी है? ये है 2019 मॉडल। ये इसके अडाप्टिव LED लैंप्स हैं। वाओ, व्हाट अ लाइट मैन। अब आप इसकी सिग्नेचर ग्रिल देखिए BMW की, कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अलॉय व्हील्स क्या होता है कि लोग आफ्टर मार्केट लगवाना पसंद करते हैं, बट एम स्पोर्ट सीरीज़ में मैंने हमेशा देखा है कि अलॉय व्हील्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं अपने। बिल्कुल मिलते हैं। अभी इसकी प्रोफाइल देखते हैं टैरों की और देखते हैं कि कौन, मतलब टैरों की प्रोफाइल तो मेरे ख्याल पूरी बची हुई है अभी तो। बिल्कुल पूरी है। द कार हैज़ डन ओनली एंड ओनली 16,000 किलोमीटर्स 2019 से अभी तक, 16,000 चली है। गाड़ी में हमें जो टायर्स मिल रहे हैं वो है ब्रिजस्टोन के। अगर साइज़ की बात करें वो है 245/50R19। बढ़िया। और M की बैजिंग आप इधर देख पा रहे हैं, वो आपको यहाँ पे दिखती है। अब आप इधर से देखिए, अब आप लंबाई से देखें इस गाड़ी को, तो इसकी जो शेप है, जो नमन ने बताया कि कूपे शेप में है गाड़ी, तो वो आप देखिए कूपे शेप आपको कैसी लगेगी। अभी आप इधर आइए नमन, तो अभी आप ये देखिए, तो ये है। हाइट वाइज X5 से तो थोड़ी सी लो रहती है, X5 से थोड़ी नीचे रहती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हर चीज़ का फील है। अगर इसको आप एज अ स्पोर्टी कार काउंट करेंगे तो हाइट नीचे होती है, स्पोर्ट कार तभी मानी जाती है वो, क्योंकि जो उसके रोड पे चलने की प्रेजेंस होती है या फिर जो रोड से अपने ग्रिप बना के चलती है, तो वो नीचे हाइट का ही फायदा होता है।
आइए पीछे आइए। अक्सर हमने 3 लीटर में तो ड्यूल एग्जॉस्ट देखे हैं, यहाँ पे 2 लीटर में भी ड्यूल एग्जॉस्ट मिलते हैं बिकॉज इट्स अ एम स्पोर्ट्स कार। एक्स ड्राइव 20D की आपको बैजिंग भी दिखती है जो आप उधर देख पा रहे हैं। और इसका जो बूट है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो जो नया इंसान होता है ना, जिसने जैसे मैंने मेरा भी पहले एक्सपीरियंस ये था कि जब भी कोई चीज़ को ओपन करना होता है तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। अक्सर लोग ढूंढते हैं कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है डिक्की, कहाँ से खुलेगी, समझ नहीं आता। लेकिन अक्सर हिडन चीज़ें होती हैं इन गाड़ियों में। ये देखिए स्पेस इसमें पूरा मिलेगा, आगे पीछे पूरी जगह स्पेस देखोगे, काफ़ी स्पेस है गाड़ी में। नीचे यह मिलता है डोनट टायर जो कि ये भी अब अनयूज्ड है बिल्कुल। एंड इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है जो कि आप बटन से भी ऑपरेट कर सकते हो, की से भी ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। पीछे की टेल लैंप्स काफ़ी यूनिक है। बिल्कुल है, अगर आप एक बार इसको ऑन करोगे तो पता चलेगा कि पूरी जो राउंड शेप जा रही है पूरी कवर कर रही है लाइट्स। वाकई अब आप एक बार इधर से भी आइए ताकि आपको गाड़ी की चारों तरफ से प्रोफाइल पता लग जाए कि गाड़ी आखिर दिखने में है कैसी और क्या शेप है, और कहीं से भी कोई माइन्यूट स्क्रैच भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। बिल्कुल, स्क्रैच तो दूर की बात, इवन आपको स्वॉल मार्क्स तक नहीं मिलेंगे गाड़ी में। बढ़िया, अब आगे चलते हैं और आपको थोड़ा सा पीछे से इंटीरियर दिखाते हैं। लोगों को बेज पसंद नहीं है, कई लोगों को बेज पसंद नहीं आता, कई लोगों को ब्लैक पसंद नहीं आता, कईयों को कुछ डिफरेंट इंटीरियर चाहिए होता। तो डिफरेंट भाइयों के लिए जिनको डिफरेंट चाहिए उनके लिए है हमारे पास कौन सा इंटीरियर? टैन इंटीरियर। तो टैन इंटीरियर है और स्पेस देखते हैं इसका पीछे से। स्पेस वाओ, अंदर से कुछ समझे फिर। स्पेस तो जैसे कि कह सकते हो आपको अगर कूप स्टाइल में लगे कि आपको हेडरूम कम मिल रहा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी इजीली बैठा हूँ बहुत आराम से, कोई इसमें स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नीचे लेग स्पेस पूरा पूरा मिल रहा है, किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लॉन्ग रूट पे भी जाना है बहुत अच्छी गाड़ी है, बिल्कुल आराम से जा सकते हो। पीछे यहाँ पे आपको कंट्रोल मिल रहा है एसी का जो कि 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है आपका। एसी वेंट साथ में मिल रहे हैं और इंटीरियर की क्वालिटी देखें, बहुत ज़्यादा फाइन क्वालिटी का इंटीरियर है। बीएमडब्ल्यू वैसे भी बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। मैं डोर फिनिशिंग की बात करें तो वुडन टच भी इसके अंदर अब देखने को मिलता है। साथ में आपको एक्स की बैजिंग भी मिलेगी सारे डोर्स पे एंड बीच में सेंटर कंसोल पे भी मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला फील है इसके अंदर आपको पैनोरामिक सनरूफ का भी जो फील है वो दिखता है, और ऊपर की वाली जो छत है वो ब्लैक है। ब्लैक है, बीच में यहाँ पे हमें कप होल्डर्स का ऑप्शन मिलता है। अब तो गर्मी आ गई, अब तो रखनी पड़ेगी यहाँ पे ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो अब ये तो रही कुछ इसकी पीछे से स्पेस की बात, तो पीछे से स्पेस इसमें कभी दिक्कत नहीं होने वाली आपको। बिल्कुल, अब आगे बैठते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर आते हैं और फिर इसकी डील बताते हैं आपको। तो अब हम बैठ चुके हैं इस गाड़ी के अंदर और ये वाली जो सीट है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, और जो एम की जो बैजिंग है वो आपको इधर भी स्कफ प्लेट पर भी देखने को मिलती है। सिर्फ वही नहीं, आप अगर सेंटर कंसोल में देखो पूरी X4 की बैजिंग आपको यहाँ पर मिलेगी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके नीचे में ऑप्शन मिल रहा है वायरलेस चार्जर का जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। फ़ोन अभी वैसे भी चार्ज नहीं है ज़्यादा तो चार्ज ही कर लेते हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए चार्ज होना शुरू हो गया। बीच में आपको कप होल्डर्स मिल रहे हैं दो, जिसमें एक एशट्रे है जो कि BMW से ही मिलती है। पीछे आते हो देखिए यहाँ बीच में भी हमें वुडन फिनिश मिल रहा है, जैसे कि हमें डोर पे देखा था वैसे ही वुडन फिनिश यहाँ भी मिल रहा है। ये डायल है और बीच में कुछ कंट्रोल्स हैं जिससे आप अपनी स्क्रीन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, राइट साइड में आके देखें तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिल रही है, उसके नीचे ऑटो होल्ड का फीचर। इस साइड देखोगे तो कुछ मोड्स हैं, जैसे कि गाड़ी की ड्राइव तो वैसे ही बहुत ज्यादा अमेजिंग है, BMW है तो ऑब्वियसली उसकी ड्राइव अच्छी होगी, एंड साथ में एम स्पोर्ट है। उसके साथ साथ यहाँ पे स्पोर्ट मोड, कम्फर्ट मोड, इको, ये सारे हमें मोड्स मिल रहे हैं। बीच में जो आप किसके बटन देख रहे हो, मतलब अगर पूरा हम पैनल देखें तो जो बटन हैं इसके सिल्वर फिनिश में हैं, जैसे कि आप यहाँ मेन्यू देख रहे हो मैक्स, ये पूरा सिल्वर फिनिश में मिल रहा है आपको और बहुत ज़्यादा अच्छा एक स्पोर्टी लुक दे रहा है गाड़ी में, यूनिक लुक दे रहा है। स्टेयरिंग जो होते हैं नॉर्मल BMW की जो वो आती है एम स्पोर्ट सीरीज जो नहीं होती उनसे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। बिल्कुल होते हैं, स्टेयरिंग जो है इसका काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। नीचे सबसे पहले आप यहाँ पे बैजिंग भी देख सकते हो एम स्पोर्ट की, उसके साथ साथ इसका स्टेयरिंग का बीच में आप जो हॉर्न देख रहे हो वो भी डिफरेंट इवन शेप में मिल रहा है हमें। और आप हॉर्न की भी अगर हम यहाँ स्टेयरिंग की भी फिनिश देखें, स्टिचिंग देखें इसकी, कहीं से किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेफ्ट साइड में हमें सारा क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन मिल रहा है, राइट साइड में हमें मिल रहे हैं वॉल्यूम कंट्रोल बटन्स एंड साथ में कॉल पिक करने का ऑप्शन। ऊपर हमें पेडल शिफ्टर्स मिल रहे हैं जो कि वो भी सिल्वर पे मिल रहा है हमें पोर्शन में। ठीक है, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा एग्जैक्टली जैसे स्पोर्टी लुक होता है वो मिल रहा है। बीच में अगर आके हम डिजिटल ओडोमीटर की बात करें तो इसमें पूरी पूरी चीज़ें हमें डिजिटल मिल रही हैं, कहीं से भी आपको कोई व्यू ख़राब नहीं हो रहा है, कुछ किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम मोड चेंज करते हैं, सपोज ये मैंने जैसे कम्फर्ट करा, इको में हमने देखा है चेंज हो गया। ठीक है, स्पोर्ट करा तो मैंने स्पोर्ट में चेंज हो गया, मतलब वो मीटर जो है उसको अडाप्ट करता है मोड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब रिवर्स पार्किंग कैमरा देखिए इसका। बिल्कुल, तो रिवर्स कैमरा हालांकि थोड़ी सी छोटी है, कॉम्पैक्ट है। बिल्कुल, स्क्रीन थोड़ी सी छोटी मिलेगी बट ऐसा नहीं आपको व्यू में प्रॉब्लम है। अगर गाड़ी में सब चीज़ें अच्छी हैं तो एक स्क्रीन थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करी जा सकती है। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। बिल्कुल है, नो डाउट। अब बात करते हैं इस गाड़ी की कीमत की, क्योंकि आप सब वेट कर रहे हो कि क्या कीमत है इस गाड़ी की, तो क्या एक्सपेक्टेशन लगती है आपको?
गाड़ी की कीमत हम बाहर चल के आपको बताएं तो ज़्यादा बेटर होगा। नई गाड़ी कितने की आती है अप्रॉक्सीमेटली? तो नई गाड़ी का जैसे आपने प्राइस पूछा, अप्रॉक्सीमेटली अगर हम काउंट करें 70-75 के अकॉर्डिंग होगा। ओके, मतलब उसके आसपास आप, वो डिपेंड करता है आप रजिस्टर कहाँ करा रहे हैं या उसके चीज़ों के अकॉर्डिंग। जी, लेकिन ऑटोबस पे ये प्राइस तो नहीं मिलेगा? ऑटोबस पे प्राइस नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा जिसमें आपको ये फील नहीं होगा कि आपने कुछ गलत डील ले ली। इनफैक्ट आपको ये होगा कि आपने नई जैसी गाड़ी कम पैसों में ले ली, पैसे सेव हो गए। बिल्कुल, इसमें कुछ और छोटे मोटे फीचर्स मिलते हैं हमें, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं वो फीचर्स। जैसे कि एक फीचर हमें मिलता है नेविगेशन का, आप जैसे कि इसकी स्क्रीन पर देख ही रहे हो, ठीक है। साथ में इसमें हमें वायरलेस चार्जिंग, हमने जैसे आपको बताया। ऊपर हमारी है पैनोरामिक सनरूफ, एक बार खोल के भी देख लेते हैं। सारी वन क्लिक है, आपने एक क्लिक किया रूफ ओपन हो जाती है, ठीक है। एनीथिंग एल्स? इसके साथ साथ हमें मिलता है एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर, वो मैं आपको जैसे अभी एक बार दिखाऊं, अभी इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होगी लाइट, बट स्टिल एक बार आपको इसमें मैं कलर ऑप्शंस दिखा देता हूं कि हमें कितने कलर ऑप्शंस मिलते हैं। मेरे को लगता है चार होंगे ये, आप कलर ऑप्शन, सॉरी आई वाज रॉन्ग, ज्यादा हैं, काफी सारे कलर हैं। तो एम्बिएंट लाइटिंग भी है, अभी तो दिन है भी नहीं दिख रहा, लेकिन रात में काफी अच्छा आपके सारे कलर ऑप्शंस हैं, फील होता है यहाँ पे। ये काफी अच्छा आर्मरेस्ट है, ये बिल्कुल काफी ज्यादा यूज है, बीच में इसमें स्पेस भी अच्छा है, साथ में हमें यहाँ पे यूएसबी पोर्ट मिल रहा है, तो एक अच्छा गाड़ी में हमें हर जगह स्पेस मिल रहा है जिसमें आप इजीली अपना सामान रखना हो या फिर आपको कहीं लॉन्ग ट्रैवल करना हो या फिर आपको यूजुअल डेली लाइफ में भी चलानी हो, तो बहुत अच्छी गाड़ी है यार। एक कंट्रोल है ये किस चीज कंट्रोल होता है? ये डाउन हिल के लिए होता है, अगर हम हिल से नीचे जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसके जो गाड़ी को एडजस्ट करने के लिए होता है। तो चलो फिर एक काम करते हैं, अब डाउन हिल के बारे में भी आपको बता दिया, पूरा इंटीरियर आपको दिखा दिया, अब आपको इसके पैसे बताते हैं कि क्या पैसे हैं। तो आप उतरिए इधर से और मैं उतरता हूँ इधर से, और आपको बताते हैं इस गाड़ी के पैसे। बंद कर दीजिए गाड़ी ताकि हमारी आवाज़ हमारे व्यूवर्स तक बहुत ईजिली पहुँच जाए। तो दोस्तों ये है वो गाड़ी जो है ब्रांड न्यू कंडीशन में, एबी पे हम इधर आते हैं, धूप का फिर प्रकोप पड़ रहा है हम पे, लेकिन गाड़ी आप तक पहुँचाएंगे। डील बताएं, गाड़ी जो है 2019 मॉडल है, BMW X420D X-Drive M Sport एंड ब्लू कलर है, बहुत ज़्यादा यूनिक कलर जो कि BMW में होता है, अच्छा कलर होता है, अट्रैक्टिव कलर, ठीक है। एंड गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा लेस ड्रिवन है, ओनली एंड ओनली 16,000 किलोमीटर्स। ओके, पूरी गाड़ी की आप कंडीशन देखोगे इट्स नॉट लेस देन अ ब्रांड न्यू वन। एंड गाड़ी की हम जो आस्किंग कर रहे हैं वो है ओनली एंड ओनली 56,75,000 ओनली। बढ़िया, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप लोग श्योरली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8885 8886 पे इस गाड़ी के लिए, या फिर कोई इन्वेंट्री की एक बार अपडेट दोगे क्या? बिल्कुल, इन्वेंट्री अपडेट हमारा काफ़ी सारा, मतलब अगर आप SUVs में जाना चाहते हैं, BMW X5 मिल जाएगी, जीप रैंगलर मिल जाएगी, वॉल्वो XC90 मिल जाएगी। जीप रैंगलर अभी हमारी एक और स्टॉक में आने वाली है, बहुत जल्दी आने वाली है, एंड लेस ड्रिवन है। एंड साथ ही साथ मर्सिडीज जी वैगन G63 वो भी आने वाली है, काफ़ी सारा स्टॉक रिसेंटली अपडेट होने वाला है। सेडान्स में हमारे पास ई क्लास में अवेलेबल है, E350 अवेलेबल है, BMW 5 सीरीज़ है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सारा हर चीज़ का हर वैरायटी अवेलेबल है, आप जिस वैरायटी में जाना चाहें। एक आपको यही करना है कि कॉल दीजिए, या शोरूम हमारा राजौरी गार्डन में है, नेक्स्ट टू द BMW शोरूम, आप विजिट करिए, आपको सारा स्टॉक वहाँ मिलेगा। और अगर आप हमारा स्टॉक वैसे भी देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.autobase.co.in, वहाँ पर जाके हमारा सारा स्टॉक देख सकते हैं जिसमें सारी प्राइसेस, सारे फीचर्स, एक एक चीज़ गाड़ी की लिस्टेड। बट फिर भी जो पॉकेट साइज है अपना अभी कितना चल रहा है, 20 लाख के अंडर है, कह सकते हैं कि 2025 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, और जा तो फिर पता नहीं कहाँ तक रहा है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एक इम्पोर्टेड गाड़ी चाहिए, आप प्रीमियम गाड़ी में एंटर करना चाहते हैं और अच्छी गाड़ी चाहते हैं, तो आप श्योरली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं AB पे और अपनी ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि अगली और कौन सी गाड़ी है जो हम आपके लिए करें कवर AB से, क्योंकि मैं आज आपको बता देता हूँ नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो आएगा बेंटले पे। बहुत टाइम हो गया बेंटले नहीं करी, आप लोग कह रहे थे बेंटले, तो बेंटले करेंगे फिर शूट नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते रहेंगे हम आपसे इसी तरीके से, आप वीडियो को लाइक करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़ एंड सी यू अगेन।